नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से प्राची के पीछे गुंडे पड़ चुके हैं और गुंडों ने जो कि बैठा रखी है प्राची और उसका फोटो भी घर सेंड कर दिया है। लेकिन दोस्तों आखिरकार अब सिड अपनी जुबान खोलता हुआ नजर आएगा, सिड बताएगा पूरी सच्चाई को कि आखिरकार पूरी सच्चाई क्या है। क्योंकि दोस्तों सच्चाई इस प्रकार से है कि रिया और आलिया ने जो गेम खेला है वो उसके बारे में पहले से ही सिड को आभास हो चुका है कि प्राची को किडनैप करवाने में किसी और का हाथ नहीं बल्कि रिया और आलिया का है। और इस बार जो कि सिड ने अपने चाचा से बता दिया है कि प्राची को इन लोगों ने किडनैप करवाया है और सभी के सामने ये भी बताता हुआ नजर आएगा कि मुझे जो झूठ बोलने के लिए मजबूर किया है वो किसी और ने नहीं बल्कि रिया और आलिया ने ही मेरी बहन को टॉर्चर कर रही हैं, किडनैप करा रखा है और उसके साथ में टॉर्चर कर रही हैं ताकि मैं आप लोगों से झूठ बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इनके कहने से झूठ बोला। क्योंकि प्राची के कोख में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं बल्कि खुद रणबीर का है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इधर रणबीर प्राची को ढूंढ रहा है और वो वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। लेकिन दोस्तों रिया और आलिया उल्टी ही इस पर इल्ज़ाम लगाती हुई नज़र आने वाली हैं सिड पर कि ये चाल इसकी हो सकती है, क्योंकि इसकी चाल हो सकती है, ये हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस तरीका से रिया और आलिया खुद सिड के ऊपर ही इस तरीका से एलिगेशन लगाती हुई नज़र आने वाली हैं। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते हैं कि रिया और आलिया ने हमेशा से ही घर वालों को धोखे में रखा है और घर वालों को जितना धोखे में रखा है इतना आप लोग जानते ही हैं। क्योंकि घर वालों को इस तरीका से धोखे में रखा है कि ताकि ये प्राची को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दें। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से रिया और आलिया काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ में खुराफात कर रही हैं और प्राची से नाराज़गी भी जाहिर करती नज़र आ रही हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।